गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जिया और रश्मि रहती है वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं अपने घर के लिए, और उसी ड्यूरेशन में जिया को उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है। पर वो जो फ्रेंड रहती है वो लाइन रिद्धि को मारती है, पर रिद्धि को तो कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो कायरा के साथ जाती है, उसे बास्केटबॉल के लिए प्रिपेयर कर रही रहती है, और वो ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये मैच ख़त्म हो और वो फ्री हो इन सब चीज़ों से। अब नेक्स्ट डे जो रिद्धि रहती है वो मॉर्निंग में उठती है, अपना सारे काम करती है और जिया और रश्मि से मिलती है। जिया रश्मि कहते हैं कि रिद्धि, हमने बहुत टाइम बिता लिया यहाँ पर, बहुत दिन यहाँ पर रह लिया, अब हमें हमारे घर जाना चाहिए। तो रिद्धि कहती है कि जाओ, मैंने कहाँ मना किया है, वैसे भी अब लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, दोनों अपना रिलेशनशिप को समझदारी से निभाना। अगर एक गुस्सा करे तो दूसरा शांत हो जाना, और दूसरा गुस्सा करे तो दूसरा शांत हो जाना, कोई रूठे तो मना लेना, यही तो जीवन का दस्तूर है। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दोनों अकड़ के मत बैठ जाना, वरना फिर मुझे बुलाओगे। तभी रश्मि कहती है, नहीं यार, अब वक्त आ चुका है, वैसे भी तूने जो हमारे लिए किया है ना वो कम थोड़ी ना है यार, तुमने हर एक चीज़ करी है यार। सीरियसली बोलूँ ना, मेरी मॉम कभी नहीं मानती, बट रिद्धि तूने मना लिया, यू डिड इट एवरीथिंग यार, मैं क्या बोलूँ, तूने हर एक चीज़ करी है मेरे लिए। मेरी मॉम एंड डैड को मनाया, ऊपर से मेरी मॉम मुझे खुद का फ्लैट दे रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो जो इतनी स्ट्रिक्ट हैं, मुझे नहीं लगता था कि कभी वो मेरी कोई भी बात मानेंगी, बट रिद्धि यू डिड इट एवरीथिंग टू मी यार। मेरी मुझे अगर इनसे प्यार नहीं होता ना तो यार सच बोलूं, हाय मैं अपना दिल तुझे दे बैठती। तभी जिया कहती है, मुझसे प्यार नहीं होता मतलब क्या जिया? एकदम से रिद्धि कहती है, जिया काम डाउन यार, ऐसे क्यों सोच रही है, गलत थोड़ी ना, यानी बोलना क्या चाहती हैं। जिया बोलती है, तभी रश्मि बोलती है, यार कुछ नहीं, क्या होता है कि कभी कभार ना हमें इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, मुझे आपसे प्यार है, ये बात तो सच है और मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे, या यूँ कहूँ मुझे मोहब्बत है आपसे, पर मेरी जान है रिद्धि, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे ना अगर प्यार करना होगा ना तो मैं रिद्धि से करूँगी, क्योंकि रिद्धि में वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक इंसान को चाहिए होती है। लेकिन कहते हैं ना, दिल पे जोर किसी का नहीं चलता, सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी हमारा दिल एक नालायक पर ही जाकर अटक जाता है, ऐसी मेरे साथ हुआ है। तभी जिया कहती है, मैं नालायक हूँ? तो कहती है, हाँ हो कुछ कुछ चीज़ों में, मतलब आप परफेक्ट हो नहीं ना, ये बात तो आप भी जानते हो, रश्मि कहती है। तभी जिया कहती है, तो परफेक्ट बनना ही क्यों है, परफेक्ट बन के कौन सा अवार्ड मिलता है, एक बार बताओ, अगर मुझे ऑस्कर का अवार्ड मिल रहा है या कुछ बन रहा है तो मैं बन जाऊँ ना परफेक्ट, पर मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, और जब इम्परफेक्ट होकर भी इतनी हॉट एंड सेक्सी इंसान मिले तो मुझे तो इम्परफेक्ट रहना ही कबूल है, और मैं तो ज़िंदगी भर इम्परफेक्ट रहने जाऊँगी जब मेरे पास इतनी हॉट एंड सेक्सी गर्लफ्रेंड हो तो। तभी रिद्धि, आई होप तुम्हारा अगर ये रोमांटिक एटमॉस्फेयर चल रहा है तो मेरा कुछ काम नहीं है, मुझे किचन में जाना चाहिए तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो जाके बैठो मैं लेकर आती हूँ। ऐसे कह के जो रिद्धि रहती है वो किचन में चली जाती है और वहाँ पर सबके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, ब्रेकफास्ट बनाती है वो। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है, जिया रहती है, वो सारी की सारी पैकिंग जो भी इन लोगों ने चीज़ें मंगाई थी, शॉपिंग करी थी, उसके बारे में डिटेल्स पता करते हैं और अपने फ्लैट पे पहुंचाना रहता है उनको, वहाँ पूरी चीज़ें पहुंचाते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर से बात कर रहे रहते हैं, क्योंकि घर का कुछ इंटीरियर्स बचा रहता है जो उन्हें कराना रहता है, तो सबके सब वहाँ पर बिज़ी रहते हैं। दूसरी तरफ जो अंकल है रिद्धि के पापा, वो आते हैं, वो सबको बोलते गुड मॉर्निंग बच्चा, तो सब लोग उसे कहते गुड मॉर्निंग अंकल। तभी वहाँ से रिद्धि कहती है, गुड मॉर्निंग पापा,
पापा वो आपके लिए एक कॉल आया था फोन से, राजीव अंकल का कॉल था। वो बोल रहे थे कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, तो आज आपको थोड़ा सा उनका भी काम संभालना है। तो कहते हैं हाँ, मुझे संभालना है। तो रिद्धि मुझे लेट हो जाएगा आने में, मतलब आज शाम को मैं बहुत लेट आऊँगा। तो रश्मि जी, या तुम लोग यहीं पर हो या जा रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं अंकल, अभी तो यहीं पर। तो कहते हैं हाँ, तो फिर तीनों साथ में रहना, रिद्धि को अकेले मत छोड़ना। मुझे शायद से रात के 11-12 बज जाए आते आते, तो प्लीज़ रिद्धि के साथ रहना। तभी ये लोग कहते हैं हाँ अंकल, आप डोंट वरी, रिद्धि के साथ हम रहेंगे। तो रिद्धि कहती है पापा आप बैठ जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। तो उसके पापा भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते, सब बैठ जाते, नाश्ता आ जाता है। उसने बहुत प्यार से सैंडविचेस बनाए रहते हैं रिद्धि ने सबके लिए, और सब के सब सैंडविचेस खा रहे रहते। उतनी देर में फ़ोन रिंग हो रहा रहता है रिद्धि का। जैसे वो रिद्धि का फ़ोन रिंग होता है, तो उसमें कायरा रहती है। वो बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी। तभी गलती से जो उसका जो फ़ोन रहता है वो स्पीकर के मोड पे चला जाता है। अब वो वहाँ से चला जाती है गुड मॉर्निंग बेबी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। रिद्धि थोड़ी सी एम्बेरस्ड हो जाती है, क्योंकि रश्मि और जिया के सामने उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कहते हैं ना कि पापा के सामने तो सबको फ़र्क पड़ता है, तो वैसे ही हाल रिद्धि का भी रहता है। वो एकदम से फ़ोन को पैनिक हो जाती है, हाथ में रहता है और फ़ोन का स्पीकर बंद कर रही रहती है, बट वो हो ही नहीं रहता है। यहाँ पर जिया और रश्मि इतना हंस रहे रहते हैं उसकी सिचुएशन देख के, कि उसको इतनी हंसी आ रही रहती है। जिया कहती है यार ये कितनी कितना सारा डर रही है, जबकि सबको पता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो भी इसमें डरने वाली क्या बात है, कि देखो कितना पैनिक हो रही है। तभी वो कहती काम डाउन काम डाउन काम डाउन रिद्धि, किचन में चली जा, तेरा स्पीकर तो बंद होने नहीं वाला है, तो तू अंदर चली जा। तो रिद्धि एकदम से अपना फ़ोन उठाती है और किचन के वहाँ पर चली जाती है। और वो एक्चुअली क्या होता है, रिद्धि का फ़ोन हैंग हो जाता है, तो स्पीकर बंद ही नहीं हो रहा रहता है। और वहाँ से नॉन स्टॉप कायरा, लव यू बेबी, कैसी हो बेबी, क्या चल रहा है, और किसेस देना स्टार्ट कर देती है। वो थोड़ी सी एम्बेरस होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहता है। तो जिया कहती है मैं देख कर आती हूँ। तो जिया अपनी जगह से उठती है और जाती है और बोलती है क्या हो गया है तेरा फ़ोन को? तो कहती है यार हैंग हो गया है, कि बंद ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, पापा बाहर बैठे, यार कितना एम्बेरस फील हो रहा है, और ये नॉन स्टॉप तरीके से बोले जा रही है, तो उसको मना तो कर। तो कहती है हाँ हाँ मैं बोलती हूँ। कायरा ये भी थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेरा फ़ोन स्पीकर पे है। तो कायरा को जैसे ही पता चलता है फ़ोन स्पीकर पे है, तो वो चुप हो जाती है। कहती है बेबी फ़ोन स्पीकर पे क्यों डाला मेरा? तो कहती है डाला नहीं, वो गलती से डल गया। अरे ऐसे कैसे डल गया, और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, किस किस ने सुन लिया। तभी जिया कहती है अरे मैंने सुना कायरा, रश्मि ने सुना, और आपके ससुर जी ने सुना। ससुर जी तो सुन के थोड़ा सा बेहद शॉक्ड हो गए, कि इतनी सारी किसेस, मतलब मेरी बहू सुबह उठते से ही इतनी सारी किसेस देती है, क्या बात है। मतलब वैसे कायरा कल रात को सपना देखा था क्या किसी का? मतलब सपने में बहुत कुछ हुआ था क्या जो रियल लाइफ में सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आप स्टार्ट हो गई? तभी कायरा बहुत एम्बेरस फील करती है और चुपके से बोलती नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। रिद्धि, तो कायरा बोलती हाँ मैं रिद्धि करके जैसे ही बोलती है कायरा, तभी रिद्धि कहती है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, पर बेबी रुको ज़रा स्पीकर पे फ़ोन हट ही नहीं रहा है। तो कहती है मैं कट कर रही हूँ। तो कायरा फटाक से कट कर देती है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा एम्बेरस फील होता है कि उसे हैंडल नहीं होता। रश्मि भी वहाँ पर जो डाइनिंग टेबल में बैठी रहती है, वो किचन में आती है, और वो सबसे पहले जब उठ के जा ही रहती है, तो वो अंकल का फेस देखती है। अंकल भी इतना हंस रहे रहते हैं, नीचे सर झुका कर अपना, जब ब्रेकफास्ट करते करते वो इतना हंस रहे रहते हैं कि उनकी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही रहती, कि ये किस तरीके का नेचर है। तो जैसे ही रश्मि आती है किचन में, तभी जिया और रिद्धि एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो रश्मि कहती है क्या है यार, मतलब तुम लोग का क्या है, मुझे समझ भी नहीं आता। डू यू नो अंकल हंस रहे हैं, अंकल अपना फेस नीचे करके हंस रहा है, यार क्या था ये, मतलब मैं कुछ बोलने के लिए ही नहीं बची हूँ।
दीदी क्या है, रोज सुबह इतनी किसेस मिलती है, ये देखो ये देखो, ये मेरे बाजू में रहती है, बट सुबह उठ के ये मॉर्निंग किस दे दे, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो यार रिद्धि सही है, वाइफ जो मिली है बहुत सही मिली है यार, मतलब इतनी किसेस, बाप रे क्या बात है। तभी जिया बोलती है, बीबी मैं किस नहीं देती क्या आपको, चलो चलो मैं बताती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छी किस दूंगी, चलो रूम में चलते। तभी जो रश्मि रहती है वो जिया को स्लैप करती है शोल्डर पे और कहती है शांत हो जाओ, बेशरम हो आप, कभी भी शुरू हो जाती हो यार, मैं मजाक कर रही थी, मतलब मेरी मजाक को सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है आपको, हर एक चीज़ है यार, मतलब कुछ भी। तो वो कहती है, तो रश्मि जब ये सारी बातें बोल के रुकती है तो वो रिद्धि की तरफ देखती है, रिद्धि को बहुत एम्बेरस फील होता है क्योंकि अपने लव वंस की, मतलब अपने ही लवर की अगर कन्वर्सेशन ऐसे हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो रश्मि एकदम से हक करती है रिद्धि को और बोलती है, इट्स ओके यार, वाई आर यू फीलिंग सो एम्बेरस, हो गया ना यार। कहती है, यार कायरा क्या सोच रही होगी यार, वो ये सोच रही होगी कि मैं ऐसी हूँ जो उसका फ़ोन स्पीकर पे रख देती हूँ। अरे तो गलती से हुआ ना, जिया कहती है, मैंने उसे बताया ना स्पीकर गलती से हो गया, पर वो एम्बेरस फील कर रही है यार, मेरी गलती की वजह से यार वो एम्बेरस फील करे, मुझे पसंद नहीं है, रिद्धि बहुत सीरियस और इमोशनल वे में कहती है। तभी रश्मि कहती है, यार इट्स ओके फाइन, मैं बात कर लूँगी उसे, डोंट वरी। अच्छा ब्रेकफास्ट तो कर ले, तूने ही नहीं किया ब्रेकफास्ट, तो कहती है हाँ मैं कर लेती हूँ चलते चलते। तो वो थोड़ा सा अपना काम करते करते करती है, उसे बैग पैक करने रहते हैं ऑफिस, मतलब उसे कॉलेज जाना रहता है तो कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। रश्मि जिया ने अपने कॉलेज से ऑफ लिया रहता है 2-3 दिन का, क्योंकि उन्हें पूरा घर अपना डेकोरेट करना रहता है। तो यहाँ से स्कूटी उठा के, जिया की स्कूटी उठा के रश्मि और जिया एक ही स्कूटी में बैठ के चले जाते हैं, मतलब फ्लैट की तरफ चले जाते हैं वो, और वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाया रहता है, साथ ही साथ वो जितना भी उन्होंने जो सामान शॉपिंग मॉल से परचेज किया रहता है वो सब आ जाता है और अंदर जाकर वो लोग डेकोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो कायरा को फ़ोन करती है, तो कायरा तो जैसे ही फ़ोन उठाती है तो पूछती है, स्पीकर पे तो नहीं है? तो रश्मि पहले बोल रिद्धि बोलती है, सॉरी एक्चुअली ना वो मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब स्पीकर पे एकदम से कब लग गया मुझे नहीं पता चला और हैंग हो गया, और आप कंटिन्यूस बोले जा रहे थे तो मैं आपको बोल ही नहीं पाई कि रुक जाओ, क्योंकि मैं थोड़ी सी एम्बेरस फील हो गई थी और मैं पैनिक हो गई थी, तो आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपकी कन्वर्सेशन किसी को सुनाने का, सीरियसली सॉरी कायरा, आई एम रियली सॉरी। तो कायरा कहती है, इट्स ओके बेबी, हो गया तो हो गया, अब तो सबको पता ही है ना हमारे रिलेशन के बारे में, तो अगर फ़ोन स्पीकर पे भी चला गया तो चलता है ना, इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हो, वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, बेबी परसों मैच है, हाँ मुझे पता है आपके पास सिर्फ 2 दिन है आज का और कल का। तो कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो कहती है, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है, देखो एक बात याद रखो, जब भी आप वहाँ पर जाओ तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये टीम वर्क है, मतलब कायरा मैंने आपका सबसे वीक पॉइंट यही देखा है, आपको लगता है कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मतलब आपको बास्केटबॉल का गोल करना है, बास्केटबॉल डालनी है, आपको ये दिखता है, बट एक्चुअल में ना टीम वर्क होता है। तो अगर जिस टाइम आप गोल नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी बॉल किसी और को दो, वो करेगा आपके साथ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस तो आपकी बहुत अच्छी है बट आपको टीम वर्क के लिए प्रैक्टिस करना है, तो ये 2 दिन आप अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करो ना कि मेरे साथ, और मैं चाहती हूँ कि आप टीम वर्क करो। हाँ और कॉलेज में अपना बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वहाँ जाओ, सबके साथ करो, अजंता टीम के साथ करो,
आपकी वहाँ की जो कैप्टन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करो, कैप्टन आपको बताएगी कि कौन सी पोजीशन लेनी है, क्या लेनी है, उसी के बाद सब कुछ गेम स्टार्ट होगा। ये 2 दिन आप इंडिविजुअली यू आर द गुड बास्केटबॉल प्लेयर, बट एक्चुअली टीम होती है, तो आप जाओ वहाँ पर करो। और आज और कल हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस सिर्फ होगी वहाँ पर। हाँ, आपको ज़रूरत होगी मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पर, बट ये टाइम आपको अपनी टीम के साथ बिताना है, ना कि मेरे साथ। कायरा भी उसकी बातों को समझती है और उसे ये चीज़ रियलाइज होती है कि हाँ, अगर इंडिविजुअल हो तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन टीम के साथ तो मेरा कोऑर्डिनेट इतना है ही नहीं। और अगर मुझे अजंता में जीतना है, नालंदा को हराना है, तो मुझे जाहिर सी बात है एक टीम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इंडिविजुअली आई एम द गुड, आई एम द बेस्ट, बट सबके साथ तो नहीं हूँ ना। और ये बात वो अपने दिमाग पे बहुत अच्छे से बिठाती है, और इस बार वो रिद्धि के साथ कोई आर्ग्यू नहीं करती, कुछ नहीं कहती, वो रिद्धि की पहली बार बात को बहुत अच्छे से समझती है और डिसाइड करती है कि वो चली जाएगी खुद प्रैक्टिस करने। और ऐसा ही होता है, वो प्रैक्टिस करने अपने आप चली जाती है। यहाँ पर जब वो प्रैक्टिस करने चली जाती है, दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो इस बार रश्मि को, कायरा को ये नहीं बोलती कि उसे पिकअप और ड्रॉप करो, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो यहाँ पर कैब बुक करती है और अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज का डे रूटीन होता है, और जैसा कि सभी को पता है वही चीज़ होती है, लेक्चर्स लेते हैं, सब कुछ होता है। पर इस बार कायरा जब अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने जाती है तो वहाँ उसकी कैप्टन मिलती है, जो कैप्टन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, स्लिम फिगर रहता है, हाइट उसकी कायरा से ज़्यादा होती है, और बहुत परफेक्ट फिगर होता है उसका। उसका उसकी जो बॉडी देख के ऐसा लगता है कि वो एथलीट है, क्योंकि वो पहले से ही बास्केटबॉल प्लेयर रहती है, तो वो बहुत अच्छी उसकी बॉडी एथलीट वाली रहती है और हर एक चीज़ रहती है, और थोड़ी नहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, क्योंकि वो कैप्टन रहती है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो यहाँ पर रहती है। तो जैसे ही कायरा उसके पास आती है और वो बोलती है, तो सबसे पहले तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है, कायरा सो तो तुम ही हो जो न्यू प्लेयर है, मतलब कोच ने आपको एज अ न्यू प्लेयर कंसिडर किया है। यू नो, हमारी टीम हमेशा से रनर अप रही है, अजंता को रनर अप रही है, नालंदा को कभी हरा नहीं पाई है, ये बात आप जानती हैं? कायरा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि आपको अगर इस टीम में रहना है तो रनर अप के बदले विनर बनना चाहिए? तो कायरा बोलती, हाँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम जीते। तो जीतने के लिए ना टीम कोऑर्डिनेशन होता है, मुझे तो आप दिखी नहीं हो इतने टाइम से, कहाँ गायब हो? तभी कायरा कहती है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंडिविजुअली प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पहले मुझे इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर टीम के साथ वर्क करना चाहिए, क्योंकि मेरी बास्केटबॉल बहुत टाइम से छूट गई थी, मैंने 2-3 साल से नहीं किया था, तो मुझे ना अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, अब टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी हूँ। कैप्टन थोड़ा सा गुस्से में हो जाती है और वो कहती है, तो आपको पता होता है बास्केटबॉल इज़ अ टीम गेम होता है, वो इंडिविजुअल नहीं होता है। 2 दिन में आप हमारे साथ टीम कैसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आप मुझे ये बताएंगी? मतलब हम यहाँ थोड़ी ना बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, जो रोज़ आते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे की पोजीशंस बताते हैं, आप तो गायब हो उनमें से। अब आप सडनली से आओगे और बोलोगे कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे टीम में डाल दो, तो मैं कहाँ से एडजस्ट करूँ आपको? आपको पता भी है कि आपका सेंटर फॉरवर्ड है या लेफ्ट फॉरवर्ड है या कौन सा फॉरवर्ड है आपका? आपको कुछ भी नहीं पता है, आप 2 दिन में हमारी टीम के साथ एडजस्ट कैसे कर पाओगे? गिव मी द आंसर कायरा। तो कायरा कहती है, डिफ़िकल्ट तो है, नहीं कर पाऊँगी, बट मेरे को पता है मैं कर लूँगी, और आप प्लीज़ मुझे मौका तो दीजिए प्लीज़। कैप्टन का गुस्सा बहुत तेज रहता है, क्योंकि वो अपनी जगह गलत नहीं रहती है।
एज अ कैप्टन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे टीम को भी लेकर चलना है, उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देना है, और हर बार वो रनर अप रहे हैं तो इस बार उन्हें किसी भी हालत में रनर अप नहीं रहना था, उन्हें जीतना था। उन्हें एक वो चीज़ चाहिए जो उन्हें मोटिवेट करे। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें चांस देती हूँ, टीम वहाँ पर है, आपको मैं कुछ गाइड नहीं करूँगी, आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो, बास्केटबॉल कैसे खेलते हो मुझे वो देखना है, फिर मैं आपको टीम में डिसाइड करूँगी कि आपको कौन सा फॉरवर्ड देना है, और फिर मैं ये डिसाइड करूँगी कि आपको टीम को कैसे मैनेज करूँगी, टीम वर्क सिखाऊँगी, पर पहले मुझे ये देखना है कि अगर मैं बिना कुछ सिखाए आपको अगर वहाँ फ्लोर पे डालती हूँ तो आप कैसे कर पाओगे। कायरा के वो बहुत ज़्यादा नर्वस बना होता है, उसे डर लगने लगता है कि ये कैप्टन तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा गुस्से वाली है कि ये मेरी बात ही नहीं समझ रही है, पर वो सोचती है कि थोड़ी गलती तो मेरी भी है, और अब उसको ऐसा लगता है कि समझा कर तो कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली भी सिखाओ। तो वो चली जाती है, वहाँ पर दो तीन लड़कियाँ होती हैं, वो उनके साथ टीम बनाती है, अपोजिट टीम होती है, दोनों टीम होती है, और वहाँ बास्केटबॉल स्टार्ट हो जाता है। कैप्टन जो रहती है वहाँ बैठ के देख रही रहती है। तो सबसे पहले तो कायरा को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कोऑर्डिनेट करने में, क्योंकि उसे कभी टीम वर्क नहीं किया रहता है, इंडिविजुअली वो बास्केट ले लेती है और बास्केटबॉल कर देती है, पर वो अपनी टीम को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी, टीम उससे खुश ही नहीं थी, जो वहाँ पर तीन चार गर्ल्स की टीम थी। फिर वो एकदम से कैप्टन की तरफ देखती है कायरा, तो कैप्टन बहुत गुस्से में दिखती है, तब उसे रियलाइज्ड होता है कि यार इंडिविजुअली नहीं है ये, टीम वर्क है। तो वो अब डिसाइड करती है कि अपनी टीम को साथ में लेकर चलेगी, और बहुत टाइम लगता है, करीब 10 से 15 मिनट तक तो वो ये सोचती रहती कि क्या करूँ कैसे करूँ। फिर वो खेलते खेलते उसको समझ में आता है, तो अपनी जो बास्केटबॉल है वो पास करना स्टार्ट कर देती है अपनी टीम को, सबको धीरे धीरे मौका देती है, और वो बास्केट होती है फाइनली एट लास्ट। वो हार तो ज़रूर जाते हैं दूसरी टीम से, क्योंकि जो कायरा का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता है तो वो हार जाते हैं। तो कैप्टन वहाँ से उठती है और उठकर वहाँ पहुँचती है और कहती है देखो तुम हार गई हो। तो वो कहती है मैं हार गई हूँ, गलती मेरी है। तो कहती है एग्जैक्टली, तुम्हारा इंडिविजुअली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मैंने देखा, मुझे काफ़ी पसंद आया, स्किल्स बहुत अच्छी हैं और यूनिक है, अच्छा लगा, लेकिन एज अ टीम वर्क तुमने बाकी लोगों के साथ अच्छे से वर्क नहीं किया, वो लोग अपनी जगह गलत नहीं थे बट तुम्हारी टीम कोऑर्डिनेशन उसके साथ अच्छे से नहीं हुई, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, और मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में जब परसों जब हमारा मैच है तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी और पचकानी की हरकत की वजह से हम मैच हार जाएं। तो कहती है हम सिर्फ एक गोल से हारे हैं, बाकी सब तो मैनेज हो चुका था ना, कायरा कहती है। तो कैप्टन कहती है हाँ, तो आप मुझे अगर प्रॉपरली गाइड करोगे, आप कैप्टन हो, आप प्रॉपरली गाइड करोगे टीम वर्क का, तो सब कुछ हो जाएगा ना। सो इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट कि आप मुझे ऐसे जज ना करो, प्लीज़ मुझे मौका तो दे दीजिए। कैप्टन इतनी भी बुरी नहीं रहती है, स्ट्रिक्ट रहती है, पर उसे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर उसे नालंदा से जीतना है तो उसे बेस्ट से बेस्ट प्लेयर चाहिए, और उसे कायरा में वो बेस्ट प्लेयर दिख रहा रहता है, क्योंकि उसे ट्रेंड करने वाली तो खुद स्टेट प्लेयर थी। हाँ, रिद्धि ने उसे ट्रेंड किया था, जो स्टेट प्लेयर है, जिसको ऑलरेडी यूनिक चीज़ें पता थी, तो उस हिसाब से तो उसे लेना ही था। तो कैप्टन उसे बोलती है ठीक है। फिर यहाँ पर एज़ यूजुअल उन लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, सब एक दूसरे को प्रैक्टिस कर रहे थे। कैप्टन धीरे धीरे उसे हर एक पोजीशंस वगैरह सिखाती है कि कहाँ से टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, बॉल पहले किसको पास करनी है, कौन वहाँ जाएगा खड़े होगा, इन लोगों की पूरी प्रैक्टिस वहीं चलती है। रिद्धि जब ऑलरेडी अपने लेक्चर से फ्री हो जाती है तो वो ग्राउंड में आकर देखती है, तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि जो कायरा है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। तभी उसकी नज़र उस कैप्टन पे पड़ती है, तो कैप्टन भी बहुत अच्छे से उसे सिखा रही रहती है, और जैसी जो कैप्टन रहती है वो टर्न राउंड होती है तो उसे रिद्धि दिखती है। तो पहले तो वो ऐसे सिर्फ रिद्धि को घूरती रहती है, पर फिर थोड़े टाइम के बाद वो रिद्धि के पास आती है
और कहती हैं आप रिद्धि शाह हैं, तो सबके वो थोड़ा सा लाउड भी बोलती है, तो सबके सब अपनी प्रैक्टिस रोक के देखने लगते हैं। तो कहती हैं हाँ आप रिद्धि शाह हैं राइट। तो कहती हैं हाँ क्यों। तो कहती है आप अंजलि देसाई को जानती हैं। तो कायरा तो रिद्धि थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है अंजलि हाँ मैं जानती हूँ अंजलि देसाई को। तो कहती है हाँ पर क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं। तो कहते हैं मैं अंजलि देसाई की सिस्टर हूँ। आप स्ट्रेट प्लेयर हो ना, अंजलि देसाई के साथ आपने खेला है, मेरी सिस्टर ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, यू नो यू आर द बेस्ट प्लेयर एंड वाई यू लेफ्ट बास्केटबॉल। तभी वो बोलती है कुछ फैमिली रीजंस थे इसकी वजह से छोड़ा। हाउस अंजलि। तो कहती है शी इज़ गुड, शी इज़ इन एक्चुअली इन USA। कहती ओ शी इज़ इन USA। हाँ मेरी एक्चुअली जब मैंने बास्केटबॉल छोड़ दिया था तो मेरी बात नहीं हो पाई। तो कहती हाँ तो सब हम सब अलग अलग जगह से थे ना इसलिए। कहती USA में क्या कर रही हैं वो। तो कहती हैं हाँ वो USA में एक्चुअली मैरिड हो चुकी हैं तो अपने हस्बैंड के साथ हैं। ओह दैट्स ग्रेट, बहुत जल्दी शादी कर ली उसने। कहती हाँ अब लड़का अच्छा आया था तो कर ली, मॉम डैड ने करवा दी। तो आप उनकी सिस्टर हो। तो कहती हाँ मुझे मेरी दीदी ने हमेशा से आपके बारे में बताया। ओके तो आई हैव अ वन जस्ट वन डिज़ायर, कैप्टन बोलती है। तो कहती है हाँ क्या डिज़ायर। तो कहती है एक मैच मुझे आपके साथ खेलना है, मुझे आपके स्किल्स देखने हैं, वो स्किल्स जो मेरी दीदी हमेशा से आपके बारे में बताती थी, तो एक मैच तो बनता है ना, प्लीज़ मुझे एक मैच आपके साथ खेलने दीजिए ना प्लीज़। तभी रिद्धि सोचती है और कहती है नहीं मुझे नहीं, मैंने बहुत टाइम हो गया छोड़ दिया है। तो कहती है प्लीज़ आप बहुत अच्छे प्लेयर थे प्लीज़। तभी वो कहती है ठीक है। तो वहाँ जाते हैं तो टीम डिसाइडेड होती है, जो कायरा होती है वो अपोजिट टीम में होती है, जो अंजलि होती है वो कायरा को अपनी टीम में लेती है, सॉरी अंजलि की जो सिस्टर रहती है कैप्टन वो अपनी टीम में लेती है और दूसरी टीम में रिद्धि रहती है, और इन लोगों का मैच स्टार्ट होता है। कायरा चाहती थी कि वो रिद्धि के टीम में आए, लेकिन यहाँ पर उनके रिलेशन के बारे में किसी को नहीं पता रहता है और वो बताना भी नहीं चाहती है और रिद्धि भी नहीं बताना चाहती है, तो चुप मुँह से गेम खेला जाता है। जब बास्केटबॉल का गेम खेला जाता है तो बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है। जो कैप्टन रहती है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहती है, उसका जो गेम रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो बहुत अच्छे से खेल रही रहती है। वो बास्केटबॉल जब लेती है तो वो किसी को देने ही नहीं देती, रिद्धि बहुत कोशिश करती है कि वो बास्केटबॉल छीने, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर वो नहीं करती है। तभी उसे एक चीज़ पता चलता है कि मतलब कैप्टन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो लेकिन रिद्धि की टेक्निक और रिद्धि के स्किल्स बहुत यूनिक होते हैं और अलग थे। वो इतने इजीली उसके पास जाकर वो बॉल जब अपने स्किल से निकाल लेती है और अच्छे से खेलती है और बहुत गोल कर लेती है। ऐसा इनका मैच ऑलरेडी चलता है, कभी 4-5 स्कोर होता है, एक का 4 तो एक का 5, किसी का 5-2 किसी का 6, और एट लास्ट में सब टाई हो जाता है। तो जब टाई होता है तो दोनों हंसते हैं और कहते हैं आपने बोला था आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कैप्टन बोलती है रिद्धि को। तो रिद्धि कहती है हाँ तब भी आपके स्किल्स और आपकी टीम वर्क इतना अच्छा था कि कोई ये नहीं सोच सकता कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। चलो इंडिविजुअली तो ठीक है, बट आपकी टीम वर्क, आपने कितना अच्छे से टीम वर्क किया, ये लोग आपको नहीं जानते हैं पर आपने कितने अच्छे से किया, इसे ही कहते हैं बेस्ट प्लेयर ऑफ दी, यू नो बेस्ट प्लेयर इसी को कहा जाता है, आप क्या हो आप नहीं जानते हो। तो कहती है मैंने आपके जैसे स्किल्स नहीं देखी। रिद्धि कहती है आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे इतना टफ कंपटीशन दिया है आपने कि मैं नहीं बता सकती। एंड तो
तो कैप्टन कहती है मैं तो दूंगी ना क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बट आप नहीं करते हो फिर भी आपने मुझे इतना टफ कंपटीशन दिया। माइंड ब्लोइंग था। ऐसी इन लोगों की पूरी कन्वर्सेशन होती है, खुश होती है, कायरा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि रिद्धि ने जो काम किया रहता है मतलब स्किल्स वो देखने लायक होते हैं। और ऐसे कह के उनकी बात हो जाती है। तभी वो कैप्टन कहती है कि रिद्धि, तो वो कहती है हाँ, तो वो कहती है कि मैं आपको रिद्धि बोलूँ या मैम बोलूँ, तो कहती है आपकी जो इच्छा हो वो बोल सकते हो। तो वो कहती है ओके रिद्धि प्लीज़ हमारा जो मैच होगा उस पर आइएगा ज़रूर, मैं चाहूँगी कि आप आकर देखो। तो कहती है हाँ, और एक रिक्वेस्ट है। तो कहती है हाँ कहिए, कि कल भी आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगी, परसों एक्चुअली हमारा कंपटीशन है, तो मुझे आपके जैसा एक टफ पर्सन चाहिए जिससे मैं अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। अगर आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करेंगी तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। रिद्धि तो ऑलरेडी हेल्प कर रही थी कायरा की, इंडिविजुअल सिखा के या फिर ग्रुप में, तो उसे तो कोई इशू था ही नहीं। तो कहती है कि हाँ मैं हेल्प कर दूँगी। तो इस तरीके से इन लोगों की कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। जो रिद्धि रहती है वो यहाँ से कैंटीन चली जाती है अपने लिए कुछ खाने के लिए। कायरा पूरे दिन प्रैक्टिस करती है क्योंकि उसे प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ जो जिया रश्मि रहते हैं वो अपना घर डेकोरेट करने में बहुत बिजी रहते हैं, हर एक चीज़ कर रहे रहते हैं। और ऐसे ये पूरा डेज चला जाता है। नेक्स्ट डे भी स्टार्ट होगा, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।